पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी उम्मीदवारों का नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पूरी तरह से प्रचार में जुट गए हैं। लुधियाना हल्का सेंटर से अकाली भाजपा के सांझे उम्मीदवार गुरुदेव शर्मा देवी द्वारा प्रचार के दूसरे फेज में पूरे हल्के डोर टू डोर पैदल मार्च किया गया। इस मार्च की शुरुआत माथा टेकर की गई, जो हल्के के सभी वार्डों में इस मार्च की अगुवाई उम्मीदवार गुरुदेव शर्मा देवी की ओर से की गई। इस दौरान भारी गिनती में लोगों ने शमूलियत की। इस मौके गुरुदेव शर्मा देवी ने कहा कि लोगों का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है, क्योंकि हल्के का विधायक पिछले 5 साल से हल्के में दिखाई नहीं दिया, इसलिए हल्के के लोग हल्के के विकास के लिए उनके पूरा साथ दे रहे हैं। आज 38 नंबर वार्ड दे विच मीटिंग की जा रही है। अज 38 नंबर वार्ड दे विच मीटिंग की जा रही है। इतने सारा इलाकावासी कट्ठे हुए ने मेनु डोर टू डोर घुमाने वास्ते। मैं इन्होंने मेरे को काफ़ी दिनों तो अज सवेर तो मैं 8 बजे तो लैके शुरू हूँ तक डोर टू डोर कर लिया वा और मेरे को 10-12 मीटिंगों में अटेंड कर चुका वा। तो हूँ 38 नंबर वार्ड के मैं मेरिया भैन इंतजार कर रही सी, मैं लेट हो गया 1 घंटा। मैं पहले तो इन्होंने माफ़ी मांगना वा। दूसरा मेरा जो मेन मुद्दा वे मेरा विकास कराने का मुद्दा, इतने नाले की दिक्कत दस रहे ने बहुत ज़्यादा वे। मैं नाले का काम सब तो पहले नाले का काम पूरा कराना वे। भारतीय जनता पार्टी के अकाली दल शोरोमानी कमेटी का नारा जोड़ा वे विकास है और विकास ही मैं करावगा। भारतीय जनता पार्टी जो वोटर की दिक्कत है मैं सारिया देखागा और सारिया पूरी करा, मेरा प्रोमिस है। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। सारा जिथे जिथे जाना जी सारा इलाका मेरे नाल है। मेरे नाल मेरा ख्याल है जी मेरा किसी नाल मुकाबला है ही नहीं, सब तो अगे वा।